हाय फ्रेंड, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भाइयों, ये अबू धाबी का शाम का व्यू है। हम आज आप लोग को यहाँ के मॉल के अंदर का वीडियो दिखाएंगे, ठीक है भाइयों? अबू धाबी भाइयों, हमारे आरियस डिजिटल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं आइंदा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी यहाँ अबू धाबी का जो भी है व्यू चीज़ें हैं वो सब दिखाऊं। और बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा। तो चलो चलते हैं भाइयों मॉल के अंदर, देखते हैं वहाँ का नज़ारा। ये अबू धाबी का शाम का व्यू है भाई। देखिए भाई, हम इंटर हो गए हैं मॉल के अंदर। यहाँ से भाई लोग जो ले जाते हैं कंबल, ये बहुत बड़ा मॉल है भाई यहाँ का अबू धाबी का। ये मॉल है, मॉल के अंदर का नज़ारा है। कंबल पड़ता है, गेट पे लगाते जो है ना वो पड़ता। ये दरी है, ये वो जमीन में बिछाने वाला, ये दरी फर्श पे बिछाने वाला। देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत। ये देखिए भाई, ये टेबल है, डाइनिंग टेबल प्लास्टिक का, गिलास का है ये वाला पूरा डाइनिंग टेबल, कितना खूबसूरत। अच्छा, जाइए भाई, हमारे आरियस डिजिटल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आइंदा और भी अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ का बना के दूँ भाई। पूरा डाइनिंग टेबल,
ये देखिए भाई, ये पूरा खजूर से बना हुआ है, खजूर के छाल से बना हुआ है ये पूरा। देखिए कितना सुंदर। ये बैग देखिए, ये लकड़ी का बना हुआ, देखिए कितना है, 269 दिरहम का है भाई। ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 6000 का है। बताओ ये इतना छोटा सा है, 6000 का है लकड़ी का। ये देखिए पूरा लकड़ी का भाई, डाइनिंग टेबल। देखिए कितने का है, 38 दिरहम, 1000। ये 1000 रुपये का आइटम। ये झाबा है भाई, ये 2000 रुपये का है इंडियन करेंसी, 99 दिरहम। ये देखिए भाई लैंड क्रूजर है बच्चों के लिए, ये सब इलेक्ट्रिक वाली, ये भी 20000 का है इंडियन करेंसी में, 20000। यहाँ लगभग 800 दिरहम का है, ये पूरा बच्चों के लिए, हम लोग भी चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े भी चला सकते हैं इसे। ये मर्सिडीज, ये भी 20000 है इंडियन करेंसी, इलेक्ट्रिक है। ये 12000 रुपये का है भाई इंडियन करेंसी, यहाँ का 600 दिरहम। छोटा सा हाउस है, प्लास्टिक का है भाई। भाइयों हमारे आरएस डिजिटल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा।